गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू द एस वी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम स्टूडेंट्स एज यू नो वी रिसेंटली स्टार्टेड ओवर अनदर प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट्स रिपेयरिंग फॉर सी यू ई टी एग्जाम थ्रू दिस प्रोग्राम टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ़ सी यू ई टी बिजनेस स्टडीज दैट वॉज कंडक्टेड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज़ का देखिए क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना होता है और कैसे कंसेप्ट यूज करने होते हैं जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग भी फंक्शन है मॉनिटरिंग हो गया कंट्रोल करना तो ये भी तो फंक्शन है मार्केटिंग फंक्शन नहीं है इसका मतलब इसका फोर्थ आंसर हुआ होगा तो इसका फोर्थ पार्ट आंसर होगा तो हमें क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर पता चल जाएंगे इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आने सी यू टी में विच इज द प्रोसेस डिवाइडिंग वर्क इन टू द स्मॉलर टास्क एजाइन दैम टू दी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और टीम तो बच्चा आपको पता ऑर्गेनाइजिंग होता है यहाँ पे कामों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है फिर अल अलग अलग इंडिविजुअल्स को या टीम को काम दिया जाता है उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं तो इसका सेकंड पार्ट आंसर हुआ होगा विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है बच्चा फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है डिविजनल स्ट्रक्चर होता है हेरिकल होता है फ्लैट नहीं होता तो उसका सी पार्ट आंसर होगा फ्लैट फिर बोलते वन चेक दी ऑड टाइप ऑफ प्लान इन द बिजनेस मैनेजमेंट इसमें ऑड टाइप ऑफ प्लान कौन सा है तो बच्चे बच्चा स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल फिजिकल फिजिकल प्लान नहीं होता ये हम पहली बार सुन रहे हैं तो फिजिकल प्लान नहीं होता तो उसके बाद थर्ड का फोर्थ का फोर्थ पार्ट हुआ होगा विच ऑर इज नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है बच्चे बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो होती है बट सेल्स स्टेटमेंट नहीं होती तो फोर्थ पार्ट आंसर होगा फिफ्थ का फोर्थ पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को फाउंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? So, तो है तो देखिए बच्चे हमें बताइए रेवन्यू में से सी ओ जी एस माइनस कर हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो सेकेंड पार्ट इसका आंसर हुआ होगा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कैश इंटू द एसेट सॉरी एसेट्स इंटू कैश तो लिक्विडेशन होती है तो लिक्विड डेटिंग जो होगा इसका आंसर हुआ होगा फिर वो कहता है दी रेपो रेट एट द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक हमें पता है ये कौन सा होता है सॉरी रेपो रेट विथ का आंसर होता है द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक सो रेपो रेट बोलते हैं तो यहाँ पर रेपो रेट का आंसर हुआ होगा तो मैंने आंसर आपको पहले बता दिया था फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इसमें से कौन सी जो मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट उनको पता होगा परफेक्ट कंपटीशन होता है मोनोपोली होता है ओलगोपोली होता है बट कॉपरेट सेक्टर नहीं होता तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट आंसर होगा नाइंथ का फिर नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इन मार्केट आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट दोज नीड्स तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम पहले मार्केट स्टडी करते हैं फिर कस्टमर की नीड्स और वांट्स को समझते हैं इसका मतलब सर ये मार्केट की बात कर रहा है मार्केट रिसर्च की बात कर रहा है तो इसका सेकंड पार्ट आंसर होगा मार्केट रिसर्च इलेवेंथ में आता हूँ विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रमोटिंग इन मार्केट प्रमोशन इन मार्केट तो कौन सा इसमें से प्रमोशन का टाइप नहीं है बच्चे एडवर्टीजमेंट है सेल्स प्रमोशन है पर्सनल सेलिंग भी है परक्यूटमेंट नहीं होती है तो इसका फोर्थ पार्ट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फैक्टर दैट इफेक्ट द प्राइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट कौन सा फैक्टर प्राइस को इफेक्ट नहीं करता है तो बहुत आसान है बच्चे हमें पता है प्रोडक्शन कास्ट करती है कंपटीशन करता है कंज्यूमर डिमांड करता है इम्प्लॉय सैलरी नहीं करता तो डी पार्ट इसका आंसर हुआ होगा तो इसका मतलब ट्वेल्थ का डी पार्ट थर्टीन का बोलता है विच प्रोसेस व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ट्रेनिंग द इम्प्लॉयज टू फिल द अवेलेबल पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टिंग करना उनको ट्रेनिंग देना तो ट्रेनिंग इसका आंसर है तो इसका मतलब फोर्टीन का फोर्थ पार्ट आंसर हुआ होगा वट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इम्प्लॉयज इन दर्गनाइेशन तो बच्चे हमें पता ही है हम आइडेंटिफाई करते हैं मेजर करते हैं डेवलपिंग करते हैं परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की तो इसमें परफॉर्मेंस एवरेजर आएगा तो फोर्टीन का भी डी पार्ट आंसर हुआ होगा फिफ्थ का बोलता है कि राहुल विशेष जो है राहुल विशेषता Establish a modest outlast in the neighborhood to give the freelance services to the business. After uh, getting the diploma in animation and filmmaking, to begin he adopt the market uh, market his gaming and computer programming services. He can lessen the risk of confusion and avoid overlapping and unnecessary tasks of business ahead of time. What to accomplish and how to accomplish. However, owing to unforeseen factors. सच एज नैट नेटवर्क ट्रबल्स अदरस द प्लानिंग हिस्स प्लानिंग डज नॉट वर्क ऑलवेज वर्क उसकी प्लानिंग सही तरीके से काम नहीं कर रही थी विच हैज़ नेगेटिव इम्पेक्ट ऑन दी कंज्यूबर इन लाइट ऑफ द प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग स्कैनियो आंसर द गिवन क्वेश्चन तो इसमें से बताना है कि विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ राहुल इज यूटिलाइजिंग इन अब तो बच्चे यह हमें पता चल रहा है ऑप्शन में पता चल गया हुआ हमें प्लानिंग ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर देने बच्चे बड़े सोच समझ के ध्यान से देने हैं तो राहुल जो यूटिलाइज कर रहा था फंक्शन वो कौन सा था प्लानिंग था फिर सिक्सटीन क्वेश्चन पे आते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल बच्चे वर्बल भी होता है नॉन वर्बल भी होता है रिटर्न भी होता है लीगल नहीं होता तो इसको मतलब सिक्सटीन का डी पार्ट हुआ होगा कौन सा इसमें लीडरशिप का टाइप नहीं है आपने पढ़ा है ऑटो क्रेटिक भी होते हैं पार्टिसिपेटिव भी होते हैं लेजीफेर भी होते हैं कंपिटेटिव नहीं होते इसका मतलब इसका फोर्थ पार्ट आंसर हुआ होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इसमें से पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है बेटा कोरिएटिव होती है लिगिमेट होती है एक्सपोर्ट होती है कोरिलेटरल नहीं होती तो इसका डी पार्ट आंसर हुआ होगा फिर नाइनटीन्थ पे आते हैं वट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टेकिंग स्टेप्स टू मिनिमाइज़ दैम मतलब पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है फिर स्टेप्स लेने कि वो रिस्क कम हो तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे तो नाम से पता चलता है सर इसको हम बोलते होंगे रिस्क मैनेजमेंट अब इसमें से मैच दी फॉलोइंग है मैच फॉलोइंग में हमें मैच करना होता है जैसे फर्स्ट बोलता है म, मार्किट सेगमेंटेशन तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है तो <coughs> मार्केट सेगमेंटेशन हो गया द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज मार्केट टू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर विद सिमिलर नीड्स इसको बोलते हैं मार्केट मार्केट सेगमेंटेशन इसका मतलब फर्स्ट का डी पार्ट होगा वो आंसर हुआ हो होगा ये दोनों बाहर हो गए ये आंसर नहीं इन दोनों में से एक होगा ठीक है अब सेकंड देखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इंप्रूविंग द प्रोडक्ट इसका मतलब सेकंड का ए पार्ट हुआ होगा तो इसमें ये वाला आंसर होगा फर्स्ट पार्ट क्योंकि ये दो से पता चल गया हमें बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है तो वाई वाई वी वेस्ट टाइम अगर हमें क्वेश्चन जल्दी निकल जाता है तो ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से आते हैं बस हमें कंसल्टेसन से क्वेश्चन करने होते हैं जैसे ट्वेंटी फर्स्ट का देखिए वट इज़ द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग ए कंपनी विद द गवर्नमेंट एंड ऑपरेटिंग लीगल रिकनाइजेशन एज सेपरेट लीगल इंट्री इनकॉपरेशन बोलते हैं हमें पता ही है ये इनकॉपरेशन स्टेज है ये ठीक है ट्वेंटी टू विच वट द डॉकूमेंट दैट आउटलाइन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दी गवर्निंग द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ़ द कंपनी तो बच्चे कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है तो इंटरनल ऑपरेशन में बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ठीक है ये कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन के बारे में बताएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बाहर के रिलेशन पर है कंपनी के वट डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द राइट्स एंड रिस्पॉसिबिल पार्टनर इन पार्टनरशिप डेट तो बच्चे अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट ठीक है जो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ डिविडेंड पेमेंट इसमें से कौन सा टाइप डिविडेंड पेमेंट का नहीं है बच्चे कैश डिविडेंड होता है स्टॉक डिविडेंड होता है लिक्विड डिविडेंट भी होता है ठीक है मगर बोनस डिविडेंड नहीं होता ठीक है नेक्स्ट आता है ट्वेंटी फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ मर्जर जेंटल भी होता है वर्टिकल uh, भी होता है कॉन भी होता है प्राइफिशन नहीं होता तो डी आर्ट इसका आंसर हुआ होगा ठीक है ट्वेंटी सिक्स का करते हैं विच आर दट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर आउटसाइड द कंट्री तो बच्चे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया एक्सपोर्टिंग विच आर दॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर कौन सा इसमें से ट्रेड बैरियर नहीं होता है बच्चे अगेन बहुत आसान दे दिया एंटरप्रेन्योरशिप फिर बोलता है कि इसकी करेक्ट सीक्वेंस बताओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में बोलता है मुझे करेक्ट सीक्वेंस बताओ तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सेट्स ऑफ सीक्वेंस एज रेफरेंस बैकग्राउंड चेकिंग सिलेक्शन डिसीजन मेडिकल स्टेटमेंट जॉब ऑफर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट तो ट्वेंटी एट का स्टेट दिस इक्वेशन हाँ जी बच्चे फोर्थ हुआ होगा इसका ठीक है फोर्थ पार्ट इसका आंसर होगा ट्वेंटी एट का वट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू लाइसेंस इन द एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज और अदर फीस बच्चे अगेन आसान सा क्वेश्चन है लाइसेंसिंग होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स इसमें से इलेवंथ का है बच्चे पर पूछा हुआ है तो बताना पड़ेगा बी टू जी कुछ नहीं होता बिजनेस टू गवर्नमेंट कुछ नहीं होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है बिजनेस टू कस्टमर होता है कस्टमर टू कस्टमर होता है तो इसका डी डी पार्ट होगा थर्टी का थर्टी वन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलिंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बच्चे मेरे को कल ही आपको ये चैप्टर पढ़ाया तो गवर्नमेंट मार्केट कोई मार्केट नहीं होती है स्टॉक मार्केट होती है बॉन्ड मार्केट होती है मनी मार्केट होती है बगैर गवर्नमेंट मार्केट नहीं होती है फिर बोलता है विच ऑफ द फॉलिंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बच्चे अगेन सामने दिख रहा है हमें मैनुफैक्चरिंग कंपनी ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ी होता है फिर अगेन बोल रहा है व्हाट हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बोरिंग मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो किस प्रोसेस को बोलते हैं बोरिंग मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें एक ऑप्शन मिसिंग था बच्चे लैंडिंग हो गया इन्वेस्टिंग हो गया फाइनेंसिंग हो गया सिक्योरिटाइजेशन हो, हो गया तो हमें बताइए प्रोसेस बोरिंग मनी फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको ठीक है तो आप नोट करना है फाइनेंसिंग इसका आंसर होगा अब थर्टी फोर्थ पर आते हैं बच्चे तो कहता है प्लानिंग ब्रिज द डिस्टेंस अमंग अमंग फ्रॉम वेयर वी आर टू एंड वेयर वी नीड टू गो ठीक है Assertion ये रीजनिंग कहती है प्लानिंग इंक्लूड्स सेटिंग गोल्स एंड जनरेटिंग अप्रोप्रेट सोर्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोज गोल्स कहता है दोनों ठीक हैं या एक ए ठीक है आर करेक्ट है रीजनिंग करेक्ट uh, है uh, गलत है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोथ ए एन आर और कलेक्ट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो इसमें से हमें बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ना होता है देखिए इसका आंसर बच्चे डी पार्ट हुआ होगा अब डी पार्ट क्यों है क्योंकि एसर्सन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है रीजन भी ठीक है एसर्सन भी ठीक है रीजन भी ठीक है मगर रीजन से हमें एसर्सन के बारे में नहीं पता चल रहा ठीक है तो इसलिए इसका फोर्थ पार्ट आंसर हुआ होगा थर्टी फोर का फोर्थ पार्ट इसका आंसर होगा वेट थर्टी फिफ्थ भी आते हैं दी प्रोसेस ऑफ पूलिंग रिसोर्स फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टिंग देम इन पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स तो बच्चे ये भी मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था तो म्यूचुअल फंड होता है ये ठीक है बच्चे जब हम रिसोर्स को पूल अप करते हैं मल्टीपल इन्वेस्टर्स से फिर इन्वेस्ट करते हैं उसको ठीक है तो ये हमारा प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल फंड ये हमने पढ़ा हुआ है वैसे थर्टी सिक्स में बोलते हैं विच ऑफ दी फॉलिंग इज नॉट द टाइप ऑफ इंश्योरेंस बच्चे लाइफ इंश्योरेंस होती है हेल्थ इंश्योरेंस होती है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है सेल्स इंश्योरेंस नहीं होती विच ऑफ दी फॉलो वाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योरेंस कंपनी तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं रिस्क ट्रांसफर थर्टी सेवन का फोर हुआ होगा थर्टी एट का द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग स्टार्टअप कंपनीज और स्मॉल बिजनेस विद द पोटेंशियल विद हाई ग्रोथ एंड रिटर्न इज कॉल्ड देखिए बच्चे एंजल इन्वेस्टिंग नहीं होती है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग नहीं होती क्राउड इन्वेस्टिंग वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग होती है इसका आंसर आपने प्रोसेस को याद रखना है ठीक है फिर कहते हैं विच ऑफ नॉट द टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी इसमें से कौन सी टाइप बिजनेस स्ट्रेटजी के नहीं है बच्चे कॉस्ट लीडरशिप होती है डिफ्रेंशिएशन होती है डाइवर्सिफिकेशन होती है इंटीग्रेशन नहीं होती है. तो इसका थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा थर्टी एट का बच्चे थर्टी एट का सेकेंड है थर्टी नाइन का थर्ड हुआ होगा ठीक है फोर्टी पे आते हैं बच्चे वट आर दी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग एनालाइजिंग टीचर्स इन मार्केट एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू गेन एडवांटेज तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे ये भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव एनालिसिस कंपटीशन को एनालाइज करना विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ इनोवेशन इनमें से कौन सी इनोवेशन का टाइप नहीं है बच्चे प्रोडक्ट इनोवेशन होती है प्रोसेस इनोवेशन होती है मार्केट भी इनोशन होती है मगर फाइनेंशियल इन्ोवेशन नहीं होती है नेक्स्ट बोलते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटर्जी इसमें से कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटर्जी की टाइप नहीं होती ठीक है देखिए स्किमिंग प्राइसिंग होती है पेनट्रेस्टिंग प्राइसिंग भी होती है डिस्काउंट प्राइसिंग भी होती है फ्रेंचाइजिंग प्राइसिंग नहीं होती डी पार्ट हुआ होगा फोर्टी टू का ठीक है फोर्टी थ्री पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग मार्केटिंग मीन्स टू मीट द कंज्यूमर नीड्स एंड अचीव द दर्गनाइजेशन गोल अभी बड़ा बच्चे हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं उसको फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटजीज इसमें से कौन सी टाइप प्रमोशनल स्ट्रेटजी की नहीं होती है एडवर्टीजमेंट भी होती है पर्सनल सेलिंग भी होती है पब्लिक रिलेशन होता है प्राइसिंग नहीं होती ठीक है फोर्टी फोर्थ का फोर्थ हुआ होगा फोर्टी फिफ्थ पे आते हैं द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एवलिंग एक्टिविटीज़ टू बिल्ड एंड मेंटेन फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर इसको हम क्या कहते हैं बच्चे इसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन का और स्टेक होल्डर्स का आपस में रिलेशन बनाना है तो सामने से पता चल रहा था इसका आंसर क्या होगा बड़ा ईजी था मैं बता दिया आपको विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता है वजह डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इंडरेक्ट भी होता है ड्यूल uh, भी होता है मगर मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है तो फोर्टी सिक्स का फोर्थ हुआ होगा विच ऑफ दी फॉलोइंग अगला वट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ब्रांड टू डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट और सर्विसिज फ्रॉम कंपिटिटर एंड क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी तो मुझे सामने इसका आंसर पता चल रहा है ब्रांड मैनेजमेंट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है सेल्स मैनेजमेंट होता है, या चैनल मैनेजमेंट होता है तो बच्चे ब्रांड मैनेजमेंट होते हैं ठीक है फोर्टी एट्थ का व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग प्लान्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एंड मैनेज इम्प्लॉयज़ किस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डेवलपिंग करते हैं इंप्लीमेंटिंग करते हैं, हैं प्लान की अट्रैक्ट कर, करने के रिटेन करने के लिए मैनेज करने के लिए इम्प्लॉयज़ को तो बच्चे इसका आंसर फोर्टी एट्थ का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ठीक है क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग होती है इम्प्लीमेंटेशन होता है पैन का फोर्टी का फोर्टी नाइन्थ का बिच ऑफ दी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एनलाइजिंग रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क दैट मे इफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो रिस्क मैनेजमेंट नाम से पता रहा था एंड लास्ट वन इज वट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द यूज ऑफ रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस तो बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता है सीएस मैनेजमेंट नहीं होता है ह्यूमन ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है ठीक है कंट्रोल करना प्लान करना रिसोस के बारे में तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है तो बच्चे देखिए मैंने आपको फिफ्टी के फिफ्टी ऑब्जेक्टिव समझा दिए आई होप आपको आसानी से समझ आए होंगे थैंक यू स्टूडेंट्स